भैया यूपी में इलेक्शन है, किसकी सरकार देख रहे हो इसमें? सरकार होना चाहिए ये अखिलेश की, अखिलेश यादव जी की। क्यों? इसलिए कोई हुआ ही ना, काम ही नहीं हुआ। काम ही नहीं हुआ, जनता तो कह रही काम किए हैं। बोले प्रदूषण फैला है, प्रदूषण फैला है, मिट्टी धूल मिट्टी, सड़क नहीं बन रहा है 3 साल से। अच्छा, कहाँ नहीं बना सड़क? यहाँ से ये वसुंधरा पुलिया से और CIS कैंप तक 3 साल हो गए सड़क को, कनावनी में ऐसे डले हैं, सारी मिट्टी फैल रही है सारी जगह। कहाँ सरकार काम करवा रही, देख ही नहीं रहे। बोले जनता प्रदूषण गरीब लोगों परेशान कर रही। जनता तो कह रही संतुष्ट है, योगी जी का काम अच्छा है। अरे क्या अच्छा है, कुछ अच्छा ना है, गरीब लोगों को मार रहे हैं। गरीब लोगों को मार रहे हैं, अखिलेश यादव जी कर पाएंगे जनता को संतुष्ट? और क्या, उनने पहले भी किया है। पहले भी किया है? तो फिर गए क्यों? गए क्यों जब पहले किया? अब गए हैं घोटाले के वजह से गए हैं। ठीक है जी, फिर आएंगे, फिर घोटाले करेंगे तुम्हारे? ना, घोटाला ये लोग करते हैं, बीजेपी वाले। बीजेपी वाले तो अखिलेश यादव जी को चले गए घोटाले ना, इसलिए वोटिंग गलत हुई है ना। वोटिंग गलत हो गई, वोटिंग गलत हुई। अगर अखिलेश यादव जी आ जाते हैं तो वोटिंग सही है? हाँ सही है। अच्छा अंकल जी, 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार इस बार आप देख रहे हो? योगी की आएगी भाई, योगी जी की आएगी। क्यों क्यों योगी जी क्यों? योगी ने सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी योगी से, और क्या। लेकिन अखिलेश यादव जी तो बोल रहे हैं गुंडागर्दी इन्हीं की सरकार में है। उसने क्या कम गुंडागर्दी करी है? सबसे ज्यादा गुंडागर्दी तो उसके राज में ही थी अखिलेश के। अच्छा, और क्या, तो खत्म हो गई? और क्या होता था ऐसा पहले? अरे सारे पकड़े गए, सबके धुरंधर के हो गए, नहीं हो गए पहले? क्या होता था अखिलेश यादव जी की सरकार? तो आप सबको पता है क्या होता था? अच्छा। मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है, और अब जो हो रहा है वो भी सबको पता है। अच्छा, क्या हो रहा है? महंगाई तो हो गई, कह रहे हैं कि आलू प्याज महंगे हो गए। योगी जी को यूपी में ही है जो महंगाई है, खाली यूपी में ही है या पूरे देश में ही है? कह रहे हैं योगी जी को तो लाने वाले नहीं है। आप समझे नहीं, जो महंगाई है खाली यूपी में ही है, दिल्ली में नहीं हुई, राजस्थान में नहीं हुई, MP में नहीं हुई, कहीं नहीं हुई। जनता को तो यूपी नजर आ रहा है ना। किसको? यूपी की जनता तो कह रही कि योगी जी ने आलू प्याज टमाटर महंगे कर दिए। आलू प्याज योगी जी उगा रहे हैं, ये बताओ ना जी। महंगाई तो सब जगह है, यूपी में थोड़ी है। योगी से तो किसान भी नाराज हैं उत्तर प्रदेश के, 10 महीने हो गए बैठे हुए। ये को किसान थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे, किसान नहीं बैठे। हाँ, ये किसान नहीं बैठे, किसानों को अपने खेत में फुर्सत है क्या? अच्छा, जो किसान है तो अपने खेत में जाके काम करेंगे या किसान बैठे हैं ये? अच्छा, तो कह रहे हैं हम किसान हैं, योगी जी को बाहर कर देंगे। कुछ ही कह दो, कहने में तो मैं भी कह दूंगा, मैं भी किसान हूँ। अच्छा, कहने में क्या जा रहा है भाई? कहने में थोड़ी कुछ जा रहा है, कहने को पैसे थोड़ी लग रहे हैं या कोई देखने जा रहा है वहाँ पे? ये तो आ रहे हैं योगी, पक्का 101%। आप किसको चाहते हैं, किसको चाह रहे हो इस बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? जी मैं तो अखिलेश का फैन हूँ। अखिलेश जी का फैन हो जी? क्यों? श्योर, मैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके काम भी और सब कुछ। एक पढ़े लिखा आदमी, बड़ा अच्छा आदमी बेचारा। अच्छा अखिलेश जी इसलिए फैन हो जी? क्या भैया आप किसके फैन हो? किसी का नाम भैया मैं किसी का फैन नहीं हो। अच्छा, 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार देख रहे हो इस बार? पता नहीं भाई, जिसकी आ जाए अच्छा है, बीजेपी अच्छा? जिसकी आ जाए वो अच्छी है। अच्छी है, क्या लग रहा है योगी जी दोबारा वापसी कर पाएंगे क्या? हाँ, आ जाएंगे आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं इस बार हमारी सरकार, कहने में क्या फर्क पड़ता है? हाँ। आ जाएंगे मोदी जी, आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाँ, क्या काम अच्छा लगा योगी सरकार का? सारे काम अच्छा, कौन सा बेकार है? सब काम अच्छे हैं, कोई बताइए जो आपको अच्छा लगा हो। सारे हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, और क्या कर रहा है। क्या उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता को योगी जी से आगे? जो काम चल रहा है वो आगे ऐसे ही बढ़ेगा, सड़कें बन गई, सारे चीज़ हो गया, देश तरक्की हो गया, सब काम बढ़िया हो रहा है। गुंडागर्दी की बात होती है क्या, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है क्या? बिल्कुल जीरो हो गई। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी है इनकी सरकार में। उनकी सरकार में है ना, इनकी सरकार में नहीं है ना। इनकी सरकार में नहीं है? नहीं। अच्छा, किसान नाराज है इनसे? होने तो कोई बात नहीं, सही हो जाएंगे, 2 दिन बाद सही हो जाएंगे। किसान नाराज नहीं है, उनके एजेंट नाराज हैं। एजेंट नाराज है, वो कह रहे हैं हम किसान हैं, तख्ता पलट इस बार। क्या चीज, नहीं पलटेगा, तख्ता नहीं पलटेगा, नहीं पलटेगा। तो टिकैत कह रहे हैं कि हमारे साथ किसान है और योगी को बाहर कर देंगे सत्ता। वो तो खाली उनके किराए के आदमी ही है, वो सब सही हो जाएगा। अखिलेश यादव जी उनके काम इतने अच्छे नहीं है, गुंडागर्दी बहुत है उनके राज्य। गुंडागर्दी होती है, वो कह रहे हैं गुंडागर्दी इनकी सरकार में। वो तो दूसरी सरकार लगाती है, जबकि रियलिटी यही है कि योगी सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं है। कोई गुंडागर्दी नहीं है, सब सही चल रहा है फर्स्ट क्लास। लेकिन महंगाई तो हो गई है, कह रहे महंगाई है इसलिए योगी जी को नहीं पसंद। महंगाई किसके राज्य में नहीं है ये बताओ, महंगाई किसके हर एक उसमें है महंगाई। क्यों अंकल, कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, योगी जी को बाहर कर देंगे इस बार? पूरे साल में पेट्रोल 2000 का लगता है मात्र, पूरे महीने में क्या फर्क पड़ गया?
200 का फर्क पड़ेगा खाली। हाँ। गुंडागर्दी खत्म हो गई, टीका भी तो फ्री हो गया 1000 रुपए का। क्या भैया चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार इस बार है? तो बीजेपी की है। बीजेपी की आएगी? अखिलेश यादव जी, मायावती जी क्यों नहीं? उनको वो प्रचार ज्यादा करते हैं, काम कम। अच्छा, मतलब प्रचार ज्यादा करते हैं, काम कम। हाँ। तो कह रहे हैं ये प्रचार करते हैं, इनके पोस्टर लगे हुए हैं हर जगह। नहीं तो वो तो जिसकी गवर्नमेंट रहती है वो तो थोड़ा बहुत प्रचार करता है। दिल्ली में केजरीवाल को देख लो, कोई कमी छोड़ रखी है प्रचार में जी। तो अखिलेश यादव जी को क्या लगता है, आ पाएंगे दोबारा? नहीं, वो उनकी अभी कंफ्यूजन वाली पॉलिसी है, अभी कभी इसके साथ कभी उसके साथ, इसीलिए थोड़ा। गुंडागर्दी की बात होती है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है क्या? गुंडागर्दी तो चल रही है, वो चीज़ ऐसी है कभी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, कम ज्यादा हो सकती है। तो क्या कम नजर आ रही है क्या आपको? कुछ कम है। अखिलेश यादव जी सरकार और इस सरकार में अंतर क्या नजर आता है आपको? एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा। वहाँ पे जितना देखो उसी का अपना बोल वाला रहता है। आ रहे हैं योगी जी? हाँ जी, योगी जी आ रहे हैं। हाँ, उन्हीं को आना चाहिए। क्या कहोगे अंकल, चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार इस बार? चुनाव है, मोदी आने चाहिए। उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं, योगी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और अखिलेश यादव जी? नहीं। क्यों? वो काम ही सही नहीं करे उन्होंने पहले चुनाव में भी। तो कह रहे काम तो हमने बहुत किए थे, कहने को ये तो योगी जी ने फित्ते काट लिए अपने काम के। कहने को तो सभी कहते हैं, जो करे तो बात तो उसकी है। अच्छा, उन्होंने काम नहीं किया था? नहीं। अच्छा। योगी जी अब मोदी जी ने अच्छे काम करे हैं, गरीबियों का साथ दिया है हर तरह से, नाज फ्री दे रहे हैं, फ्लैट दे रहे हैं जी जी। सब कुछ दे रहे हैं, और क्या चाहिए गरीब आदमी के लिए। यूपी में इलेक्शन है 2022 में, किसकी सरकार देख रहे हो इस बार? योगी जी की बनेगी। योगी जी की बनेगी क्यों? योगी जी काम अच्छा है, काम अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो है अपराध कम हुए हैं, अपराधी कम हुए हैं। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं इनकी सरकार में गुंडागर्दी हो गई है। कोई गुंडागर्दी नहीं है, जो रह रहा है उसको पता है ना। और बताइए अखिलेश यादव जी की उम्मीद लग रही है इस बार? ना बिल्कुल नहीं, बस योगी जी हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें अगर सुधर जाएंगी तो बीजेपी बेटर ऑप्शन है हमारे पास। अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, उनमें से कोई? उनमें क्या है, उनके शासन में जातिवाद आ जाता है, या तो यादव रहेगा हर जगह। उनका उस तरीके का है कि एक कास्ट को लेकर और मतलब स्टेट में आगे बढ़ना है। अभी कम से कम बीजेपी में है कि सारी कास्ट एक साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, अभी आप अगर लास्ट 5 ईयर देखेंगे तो ऐसा सच कोई इंसिडेंट तो आया नहीं है जिसमें आप बोलें कि हिंदू या मुस्लिम या कोई भी कास्ट इस तरीके से टारगेट किया गया हो। अभी तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। लास्ट 5 ईयर में जो भी है, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है यूपी में, जो हमारे गर्ल्स के अगेंस्ट केसेस हैं वो भी कम हुए हैं, बंद नहीं हुए हैं लेकिन एटलीस्ट थोड़े कम हुए हैं, और बेटर हो सकता है। ये बताइए किसानों का मुद्दा इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, तो क्या लगता है वे किसान कह रहे हैं कि हम इस बार तख्ता पलट कर देंगे, क्या लगता है तख्ता पलट कर पाएंगे क्या? नहीं, किसान तख्ता पलट कर सकते हैं, किसान हमारे देश की नींव है। हाँ। लेकिन सरकार अगर उनकी बात सुनेगी और सरकार और किसानों के बीच में आपसी सहमति से कोई राय निकलती है, क्योंकि किसानों के लिए करना बहुत जरूरी है। क्या लगता है जो 10 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, क्या इसमें किसानों के मुद्दे रखे जा रहे हैं आप किस तरीके? नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है कि जो एक्चुअल किसान के मुद्दे हैं वो सरकार तक जा ही नहीं रहे, इसको पॉलिटिकल व्यू देकर और सब अपना अपना फायदा निकाल रहे हैं। एक्चुअल जो मुद्दा किसान का है वो सरकार तक जाना चाहिए, किसान और सरकार में बात होना चाहिए। जी जी। अभी क्या है, उससे सब लोग अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा निकाल रहे हैं। किसी ने बोल दिया कि वहाँ पर उन्होंने अटैक कर दिया, वहाँ उन्होंने मार दिया, तो उससे अच्छा है कि किसान की तरफ से प्रॉपर किसान लीडर कोई, और वो सरकार के थ्रू जाकर बात करे, या बीच में कोई एक मीडिएटर हो, जो ऐसा मीडिएटर हो जो किसानों की बात सरकार तक डायरेक्टली ले जाए। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को किस तरीके से देखते हैं उस चुनाव में? राहुल गांधी को तो नहीं, हाँ, लेकिन प्रियंका गांधी आई थिंक शी कैन चेंज समथिंग, सी हैज दैट एनर्जी दैट कैन ट्रांसफॉर्म द यूपी इफ शी इज विलिंग टू चेंज एंड शी इज टेकिंग टू टेक हर पार्टी टू सम हाइट्स ना, देन शी नीड्स टू डू सम वर्क, ग्राउंड वर्क। उन्होंने एक कहा है कि लड़कियों को 40%, महिलाओं को 40% और टिकट देंगी, क्या ये चुनावी एक एजेंडा है या वाकई में ऐसा कुछ किया जाएगा? मेरे हिसाब से अगर एजेंडा भी है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हो सकता है भविष्य में कुछ अच्छा हो। जी जी। अगर चुनावी एजेंडा भी कहें तो भी अच्छा है ना। जी जी।
महिलाओं को कम से कम एक अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, और हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी ही मिलना महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। एक इस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो अच्छा, एजेंडा है बना रहे, नो इश्यूज़, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हो सकता है उससे आगे महिला सशक्तिकरण में कुछ फ़ायदा मिले। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए अगर हमारे पॉलिटिकल व्यू में वीमेंस रहेंगी तो वीमेन एम्पावरमेंट का ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर पॉलिटिकल एजेंडा भी है तो नो इश्यूज़, पर अगर बोल नहीं है तो एटलीस्ट 40% तो देना चाहिए।